2016 में इसका शिलान्यास किया गया था और लगभग 1100 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। थोड़े से जब आप और अंदर आएंगे तो देखिए काउंटर्स पे अलग अलग, ये देखिए दिखाया गया है कि किस किस तल पर यानी किस किस फ्लोर पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं नितेश गुप्ता। हम इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के एम्स में, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर। ये एक सपना था जो अब गोरखपुर वासियों के लिए पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री का शहर है तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है गोरखपुर वासियों के लिए और गोरखपुर के साथ साथ तमाम उन जिलों के लिए, तमाम उन राज्यों के लिए जो गोरखपुर से सटते हैं, यानी आसपास के, जैसे नेपाल हो गए अलग देश है, बिहार हो गए अलग राज्य है, और ऐसे ही तमाम जनपद जो गोरखपुर से सटते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए बड़ी सौगात है। क्योंकि तमाम मरीज वहाँ के, ज़्यादातर लाखों संख्या में मरीज इधर से उधर जाते थे, यानी दिल्ली, मुंबई और तमाम जगहों पर, लेकिन अब गोरखपुर में एम्स खुलने की वजह से तमाम लोगों को काफ़ी सुविधाएँ मिलने वाली है। यहाँ पर अच्छे इलाज होंगे और आप देखिए कि ये एम्स बनकर पूरी तैयार है। आगामी 7 दिसंबर को पीएम मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे और हम आपको अभी एम्स के अंदर ले चलेंगे, तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। और जब आप एंट्री गेट से अंदर घुसेंगे तो देखिए अलग अलग बोर्ड लगा है जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, और वहाँ पे आपको सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी भी आपको यहाँ पे चाक चौबंद नजर आएगी। यहाँ पे पुलिस वाले बैठे नजर आएंगे और जब आप एम्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे जो सुरक्षा गार्ड हैं वो भी नजर आएंगे, यानी जो यहाँ पे सिक्योरिटी यहाँ पे खड़ी हुई है वो जब आप आएंगे तो यहाँ पे बाकायदे आपसे पूछताछ करेगी, आप कहाँ से हैं, किस तरह किससे आपको मिलना है, यानी कहाँ दिखाना है, हर चीज़ आपसे जानकारी ली जाएगी। उसके बाद ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की तस्वीर देखिए, गोरखपुर के लिए बड़ी बात है। एम्स बनने के बाद ये तस्वीरें देखिए, कितनी सुंदर तस्वीर है। और तस्वीर की बात करें तो वो देखिए, वहाँ पर आपको दूर बोर्ड, एक प्रवेश यानी एंट्री का बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, और जब आप एंट्री करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रीनरी को देखते हुए यहाँ पर देखिए हरियाली किस तरीके से, छोटा सा गार्डनिंग किया गया है और यहाँ पर छोटा सा झरना भी बनाया गया है, हालाँकि अभी वो बंद है। और वहाँ पे अलग अलग, यानी इतना बड़े एम्स जो बनाया गया है लगभग 1100 करोड़ की लागत से, तो इतने बड़े परिसर में जो बनाया गया है तो दूर दराज से जो मरीज आए वो परेशान ना हो, इसके लिए अलग अलग एरो बनाया गया है, यानी आपको बताया गया है कि किस डायरेक्शन में, यानी कहाँ पे क्या चीज़ बनाया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है बाकायदे निकास गेट नंबर 2, यानी गेट नंबर 2 है ये निकास का, और OPD ब्लॉक बताया गया है कि आपके उस साइड है। वहीं आपातकाल की बात करें तो आपातकाल का एरो उधर है, सभाकार का भी एरो उधर दिखाया गया है, और आयुष अस्पताल का उधर, यानी आयुष हॉस्पिटल, यानी जहां यहां पे एम्स में जो जो भी सुविधाएं मौजूद हैं अलग अलग तरीके से यहां पे हर चीज़ें दिखाई गई हैं, ताकि जो दूर दराज से मरीज आ रहे हों अपने परिजनों के साथ, उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो देखिए, अगर कोई मरीज यहाँ पर पार्किंग या दूर दराज से आता है या फिर आसपास का भी है, बाइक से आता है या गाड़ी से आता है, तो पार्किंग की व्यवस्था उधर दी गई है। बाइक के लिए यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था आप देखिए बगल में दी गई है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे आप गाड़ी पार कर सकते हैं, बाकी बाहर भी जगह है वहाँ पे भी आप गाड़ियों को पार कर सकते हैं। जब आप अंदर आएंगे तो अलग अलग यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिखेगा, आपको उधर दिखेगा आपातकाल यानी इमरजेंसी की बिल्डिंग, और जब थोड़े से आगे आएंगे तो आपको OPD की बिल्डिंग दिखेगी, और वो देखिए वहाँ पर प्रवेश एंट्री जहाँ पर दिया गया है। OPD फिलहाल आपको बता दें कि 2019 से ही शुरू कर दी गई थी, लेकिन जो 750 बेड का यहाँ पर जो सुविधाएँ दी जा रही हैं अभी जो है उद्घाटन के बाद, यानी पीएम मोदी जब 7 दिसंबर को इसका उद्घाटन करेंगे तो 300 बेड की सुविधाओं का यानी शुरू हो जाएंगी, यानी 300 बेड पे जो भी चीज़ें हैं वो चालू हो जाएंगी। लगभग 450 बेड का जो भी आगे की प्रक्रिया है वो अगले महीने यानी जनवरी 2022 से चालू होगी, यानी कहीं ना कहीं इस उद्घाटन के बाद गोरखपुर सहित तमाम लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलने वाली है। CM सिटी है, काफ़ी उम्मीदी थी लोगों को जब मुख्यमंत्री बने 2017 में योगी आदित्यनाथ, तो गोरखपुर वालों के लोगों को काफ़ी खुशी थी कि मुख्यमंत्री गोरखपुर के होने की वजह से कहीं ना कहीं गोरखपुर का नाम जो है चर्चा में रहेगा और गोरखपुर का विकास होगा। और कहीं ना कहीं ये देखने को भी मिला है जिस तरीके से एम्स बन के तैयार है, तो ये बड़ी सौगात है। और आपको बता दें कि 7 दिसंबर को जब पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे तो खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। मानबेला में मंच तैयार किया गया है, मानबेला में ही वो वर्चुअल तरीके से यहाँ का भी जो है उद्घाटन करेंगे और खाद कारखाने का उद्घाटन करेंगे। और हम इस समय देखिए एम्स परिसर के अंदर हैं, और ये आप पीछे देख सकते हैं OPD बिल्डिंग, और जस्ट उसके बगल में आप देखिए कि कोविड केयर फैसिलिटी लेवल 2, और ये इमरजेंसी की बिल्डिंग है। ये एम्स के अंदर की तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि आगामी 7 दिसंबर को पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास 2016 में किया गया था। आपको और भी बिल्डिंग्स में भी ले चलेंगे, तमाम बिल्डिंग्स अलग अलग तरीके की यहाँ पे बनाई गई है, और वहाँ की आपको तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या वहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि 2016 में इसका शिलान्यास किया गया था और लगभग 1100 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है।
और वही अगर बात करें इस एम्स की, तो यहाँ पे लगभग 750 बेड का अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज है यहाँ पे, नर्सिंग कॉलेज है, आयुष भवन बनाया गया है और सभी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास भी बनाई गई है और यूजी और पीजी छात्रों के लिए हॉस्टल आदि भी शामिल है। यानी एक मेडिकल कॉलेज भी है यहाँ पे, छात्र पढ़ाई भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे एम्स खुला है गोरखपुर में, तो गोरखपुर वासियों के लिए काफ़ी बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी सौगात भी है कि मुख्यमंत्री का शहर है और जिस तरीके से तमाम चीज़ों विकास कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं गोरखपुर सहित आसपास के जितने जनपद हैं उन लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। ये गोरखपुर एम्स का परिसर है, एक गोरखपुर एम्स बनने के कारण बिहार और गोरखपुर से जितने भी सटे और भी तमाम ज़िले हैं उन लोगों को काफ़ी जो है यहाँ पर सुविधाएँ मिलने वाली है। लोग दिल्ली और कहाँ कहाँ जाते थे इलाज के लिए, अब वो उनसे बचेंगे। ये गोरखपुर एम्स का बिल्डिंग आप देखिए, ये ओपीडी है, ओपीडी फिलहाल शुरू हो चुका है। अभी ये कोशिश की जा रही है कि ये उद्घाटन के बाद जब पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे, तो जब उद्घाटन होगा तो 7 दिसंबर के बाद लगभग जो 750 बेड है उसमें 300 के करीब जो है बेड चालू कर दिए जाएंगे मरीजों के लिए, और 450 बेड की जो सुविधाएं जो चालू की जाएंगी वो जनवरी में, यानी जनवरी 2022 में वो चालू कर दी जाएंगी। तमाम ये सुविधाएं दी जा रही हैं एम्स में, तो कहीं ना कहीं जब ये पूरी तरीके से इसका उद्घाटन हो जाएगा और चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों को इससे सुविधाएँ मिलेंगी। और हम इस समय एम्स के ओपीडी बिल्डिंग में हैं। जब आप यहाँ पर आएँगे तो ओपीडी बिल्डिंग में, तो आप देखिए कि एंट्री के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएंगे, गार्ड आपसे कोई मतलब किस लिए जाना है, किसको दिखाना है वो पूछेंगे, और आपको यहाँ पे स्कैनर से पास होकर जाना पड़ेगा। ये स्कैनर है, मेटल डिटेक्टर है, यहाँ से पास होंगे, सिक्योरिटी गार्ड आपकी जाँच करेंगे और यहाँ से आप प्रवेश, गेट पर देखिए प्रवेश लिखा हुआ यानी एंट्री, आप ये एंट्री द्वार है ओपीडी का। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए मरीजों के बैठने के लिए यहाँ पे चेयर लगाया गया है। चेयर एक दो की संख्या में नहीं है, आप देखिए कि अच्छी खासी संख्या में है, यानी मरीज अच्छे से यहाँ पे आके बैठ सकते हैं अपने परिजनों के साथ। और यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है काउंटर्स बनाए गए हैं, कई काउंटर्स यहाँ पे अलग अलग बनाए गए हैं, क्योंकि एम्स है तो कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या आमतौर पर कहीं मतलब और जगहों से यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो इसीलिए जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। थोड़े से जब आप और अंदर आएंगे तो देखिए काउंटर्स पे अलग अलग चीज़ें भी लिखी गई हैं, यानी हर काउंटर्स का अलग अलग हिसाब है। वहाँ पे काउंटर नंबर 1 है, काउंटर नंबर 2 है, और लगभग 13 काउंटर हैं मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 13 काउंटर हैं। उसके दूसरे साइड कुछ और है, वो अभी भी आपको हम दिखाएंगे। और पूरा देखिए ये जो पूरा हॉल है ये सेंट्रलाइज्ड एसी है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। हर जगह जो है बोर्ड जो है लगाया गया है ताकि जो मरीज हैं, जो उनके जन उन्हें जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बड़ा हॉस्पिटल है और ऐसे हॉस्पिटल्स में लोग काफ़ी परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे नहीं होते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो लोगों को पता नहीं चलता है कि जाना कहाँ है। ये देखिए वहाँ पे 13 काउंटर्स थे, यानी यहाँ पे आ सकते हैं अपने जो मरीज हैं वो अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं और जो भी जहाँ भी उनको दिखाना हो डॉक्टर्स को वहाँ पे दिखा सकते हैं। ये जब आप आएंगे आगे तो देखें यहाँ पे व्हीलचेयर भी रखा गया है, व्हीलचेयर उन लोगों के लिए रखा गया है जो फिजिकली डिसेबल्ड होंगे या फिर मरीज हैं तो नहीं चल पा रहे होंगे, चलने लायक नहीं होंगे, तो ये व्हीलचेयर पे बैठ के वहाँ पे जिनको भी दिखाना हो डॉक्टर्स को वहाँ पे दिखाएंगे। और बाकी आप जब आएंगे आगे तो यहाँ पे देखें डस्टबिन यहाँ पे कायदे से रखा गया है, यानी डस्टबिन बहुत ज़रूरी है ताकि कचरा ना फैले, तो यहाँ पे डस्टबिन जब रखा गया है तो डस्टबिन भी देखिए अलग अलग तरीके से रखा गया है, यानी गीला कचरा अलग, सूखा अलग, और जो भी है ये जैविक परिसंकट ये अलग, यानी अलग अलग कचरा रखने के लिए अलग अलग डस्टबिन। और यहाँ पे बोर्ड की बात करें तो देखिए बोर्ड बकायदे अच्छे से लगाया गया है कि शौचालय शौचालय आपका लेफ्ट साइड पड़ेगा, और यहाँ पे देखिए मेडिसिन के लिए अलग रखा गया है, ये डेंटिस्ट के लिए अलग, ईसीजी अलग है, ऑर्थोपेडिक्स अलग है, प्लास्टर रूम अलग है, इंजेक्शन रूम अलग है, यानी ये जिधर है एरो के जरिए आपको बताया गया है कि ये सब चीज़ें उधर हैं। और बाकी ये देखिए दिखाया गया है कि किस किस तल पर यानी किस किस फ्लोर पर क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं। ये भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर आपको मेडिसिन, डेंटिस्ट, ईसीजी, ऑर्थोपेडिक, प्लास्टर रूम, इंजेक्शन रूम, सैंपल कलेक्शन, कैश काउंटर, ये सब आपका फर्स्ट पे अवेलेबल है। और बगल में आप देखिए रूम नंबर भी बकायदे लिखा गया है ताकि आप इधर उधर आपको दौड़ना ना पड़े। आप फर्स्ट तल पे यानी पहले फ्लोर पे जाएंगे तो आपको वहाँ वहाँ क्या क्या मिलेगा वो भी इसको यहाँ पे बकायदे एरो से दिखाया गया है, यानी ENT और मनोरोग चिकित्सा और नेत्र रोग शल्य चिकित्सा, यानी ये सब फर्स्ट फ्लोर पर है, ये सब चीज़ें बकायदे एरो के जरिए दिखाई गई है। और आप परेशान ना हो इसके लिए बकायदे काउंटर बनाया गया है, पूछताछ काउंटर, यानी जब आप ओपीडी के अंदर आएंगे आपको इधर उधर दौड़ना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। अगर आप उससे भी ना समझ पाए बोर्ड पे जो चीज़ें लिखी गई हैं तो आप यहाँ पे जो पूछताछ काउंटर है यहाँ पे लोग बैठते हैं, यहाँ पे लोग जो लोग ड्यूटी करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ दिखाना है इसके लिए हमें कहाँ पर संपर्क करना पड़ेगा। आपके लिए बकायदे देखिए वहाँ पर लिखा गया है कि ओपीडी की बकायदे व्यवस्थाएँ वहाँ पर दिखी गई हैं कि मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग और पेडियाट्रिक्स और ENT और तमाम चीज़ें हैं वहाँ पे लिखी गई है, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, तमाम चीज़ें हैं।
तो आप यहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं, और बाकायदे पूछताछ के लिए अलग से बैनर लिखा गया है कि पूछताछ में आई हेल्प यू। और ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे, ओबीटी के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आपको तैनात दिखेंगे जब आप ओपीडी में आएंगे। तो ये पहला स्टेप है, आप यहाँ पे काउंटर अपनी पर्ची कटवाइए और जिस डॉक्टर को दिखाना हो उस डॉक्टर को दिखाइए। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात है गोरखपुर सहित तमाम उन लोगों के लिए जो अन्य जनपदों से नाता रखते हैं गोरखपुर से सटे, और कहीं ना कहीं नेपाल और बिहार से ज़्यादातर जो मरीज हैं वो तमाम जगहों पर जाते हैं दिल्ली और जैसे बड़े शहरों पर। तो कहीं ना कहीं गोरखपुर में जो ये एम्स खुला है और अब आगामी 7 दिसंबर को जिस तरीके से पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगात है।